हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के उदाहरण के सवालों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम संवृत गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, क्रम विनिमेय गुणधर्म के बारे में सीख चुके हैं। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण क्रमांक 1 के सवाल को हल करना सीखेंगे। आपकी किताब में यह प्रश्न दो विधियों से हल दिया हुआ है। हम दोनों ही विधियों से इसका हल देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमको सवाल दिया है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो किताब में जो पहली विधि दी है, पहले हम उसे समझ लेते हैं और इस सवाल को हम हल में कुछ इस तरह से लिख लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम इस सवाल को आपको हल करने के लिए क्या काम करना है, इस सवाल का कोष्टक हटा लेना है। तो देखिए, ये कितना दिया है हमको, 3/7। ऋण धन का गुणा क्या होगा, ऋण होगा, और ये क्या हो जाएगा, 6/11। फिर यहाँ पर भी देखिए, ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। अब ये किसको क्या लिख लेना है, 8/21। फिर इसके बाद यहाँ पर तो कोष्टक है ही नहीं, तो ये हो गया 5/22। तो सबसे पहला काम हमको कोष्टक हटा लेना है। अब कोष्टक हटा लेने के बाद फिर हमको क्या काम करना है, जो हर की संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का हमको लघुत्तम ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लघुत्तम ज्ञात कर लेते हैं। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरह से आप लाइन खींच लेंगे। फिर इसके बाद आपको लाइन खींच लेने के बाद इन संख्याओं को लिख लेना है जिनका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। तो देखिए, लघुत्तम हमको 7, 11, 21, 22 इनका लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर 7, 11, 21 और 22 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, ये सभी संख्याओं को हमको एक एक करके इनको विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। तो देखिए, 2 से 7 विभाजित नहीं होगा, 11 विभाजित नहीं होगा, 21 विभाजित नहीं होगा, 22 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है उनको आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे फिर से विभाजित करते हैं। तो देखिए, 2 से अब कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी, अब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। तो देखिए, 3 से 7 विभाजित नहीं होगा, 11 विभाजित नहीं होगा, 21 विभाजित हो जाएगा, 3 सते 21, फिर 11 विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को फिर से देखना है कि अब ये किससे विभाजित होंगी। तो देखिए, अब ये 7 से विभाजित होंगी, 7 1 कम 7, 11 विभाजित नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 7 1 कम 7, 11 विभाजित नहीं होगा 7 से, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इनको 11 से विभाजित करना है। तो देखिए, 11 से 1 विभाजित नहीं होगा, 11 1 कम 11, फिर 11 से 1 विभाजित नहीं होगा, फिर 11 1 कम 11। जब आपको नीचे एक एक प्राप्त हो जाए तो आपको काम बंद कर देना है, और जितनी भी ये संख्याएं मिली हैं इन सभी संख्याओं का आपको गुणा कर लेना है। तो इस तरह से आप लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 सते 77 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। अब इन दोनों संख्याओं का फिर से गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 सते 42 की 2 हासिल का 4। फिर 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 सते 42, 42 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो
तो इस तरह से हमको लघुत्तम कितना प्राप्त हो गया, 462। लघुत्तम निकाल लेने के बाद फिर हमको क्या काम करना है, यहाँ पे एक बड़ा सा बटा बना लेना है। अब देखिए इन सभी का लघुत्तम हमारे द्वारा कितना निकाला गया है, 462 हमको प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 7 का 462 में भाग देंगे। तो देखिए इस प्रकार से 462 लिखेंगे और इसमें हम 7 का भाग देंगे। तो देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 × 6 = 42 ये प्राप्त हो गया हमको। अब 46 में 42 घटा देंगे, तो देखिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। अब इसके बाद इस 2 को लिख लेते हैं, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 × 42। तो इस प्रकार से हम भागफल ज्ञात कर लेंगे, 42 में 42 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो देखिए भाग कितनी बार गया, 66 बार गया, तो हम 66 का उसी के ऊपर की संख्या में गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 66 × 3। इसी तरह से हमको फिर से इसको आगे हल करना है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसके नीचे कौन सी संख्या है, 11 है, तो 11 का अब हम 462 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 462 लिख लेंगे और इसमें 11 का भाग देंगे। तो देखिए 11 × 44 ये प्राप्त हो गया हमको। अब 46 में 44 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब इस 2 को लिख लेंगे, फिर इसके बाद 11 की टेबल में 22 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 11 × 2 = 22। अब देखिए 22 में 22 घटाएंगे तो शेषफल कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो हमको भागफल कितना प्राप्त हो गया, 42। तो हम इस 42 का क्या करेंगे, उसी के ऊपर वाली संख्या में हमको गुणा करना है। पहले इस ऋण चिन्ह को लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 42 × 6। फिर इसके बाद इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए इतना काम कर लेने के बाद अब हमको क्या काम करना है, इस 21 का इस 462 में भाग देना है। तो यहाँ पर हम 462 लिख लेंगे और इसमें 21 से भाग देंगे। अब देखिए 21 का भाग इसमें दे रहे हैं, तो 21 × 2 क्या होता है, 42 होता है। अब यहाँ से 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब इस 2 को लिख लेते हैं, फिर से 21 का टेबल पढ़ेंगे, 42 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। अब 42 में 42 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमको भागफल कितना प्राप्त हो गया, 22। तो जब हम 21 का भाग दिए तो भागफल 22 प्राप्त हुआ, तो उसी के ऊपर वाली संख्या में हमको 22 का गुणा करना है। तो 22 का हम गुणा कर देंगे किस में, 8 में। फिर इसके बाद अब हमको इस प्रश्न को आगे हल करना है। अब देखिए जो हमारे पास ये बचा है, इसके हर में कौन सी संख्या है, 22 है। तो अब हमको 22 का 462 में भाग देना है। तो यहाँ पर हम 462 लिखेंगे और इसमें 22 से भाग देंगे। तो देखिए 22 × 2 क्या होता है, 44 होता है। अब हम 46 में से 44 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इस 2 को लिख लेंगे, फिर इसके बाद देखिए 22 का टेबल पढ़ेंगे, 22 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, 22 × 1 = 22। अब हम 22 से 22 घटाएंगे तो शेषफल कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लिए। अब देखिए भागफल हमको कितना प्राप्त हुआ, 21। तो 21 का हम इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 21 × 5। तो पहला काम आपको ये काम करना है, लघुत्तम निकाल लेना है और एक एक करके भाग देकर जो भी भागफल प्राप्त होता है उसी के ऊपर की संख्या में आप गुणा करते जाएंगे। फिर इसके बाद इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस संख्या को हम ये गुणे के रूप में लिखे हैं, इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 × 18 = 8 हो गया, फिर हासिल का 1। फिर 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 × 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 198 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 6 का गुणा 42 में करना है। तो चलें कर लेते हैं,
छः दूनी 12 का 2, हासिल का 1, फिर 6 चौको 24 और 1 हासिल है तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ऋण में 252 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद इसको हल करते हैं, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 हासिल, फिर 8 दूनी 16 और 1 हासिल था तो हो जाएगा 17। फिर इसके बाद धन, अब 5 का गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, ये हो गया 5 दूनी 10। तो इस तरह से हम इसको हल कर लिए। हर में जो 462 है इसे हमको ऐसे ही लिख लेना है, अभी यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। फिर इसके बाद इस सवाल के आगे के भाग को हल करते हैं। अब देखिए हमको क्या काम करना है, इसमें दो तरह की संख्याएं हैं, एक धनात्मक संख्याएं हैं और एक ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम धन वाली दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और लिखेंगे। तो देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 का 3 और 1 हासिल हो गया। फिर इसके बाद शून्य में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 1 हासिल है तो 10 का 0 और 1 हासिल हो गया। फिर इसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 हासिल है तो ये कितना हो गया 3। तो धनात्मक संख्याओं का जोड़ हमको 303 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, जो हमारी ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ लेना है। तो ये दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो इन्हें जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8। फिर इसके बाद 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 और हासिल का 1। फिर इसके बाद देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 हासिल है तो कितना हो गया 4। अब बटे में कितना है हमारे पास 462। फिर इसके बाद हमको इसको और आगे हल कर लेना है। अब देखिए हमको क्या काम करना है, इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। तो देखिए धन वाली संख्या 303 है और ऋण वाली संख्या 428 है, तो हमारी ऋण वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर जो है ऋण में प्राप्त होगा। अब हमको क्या करना है, 428 में से 303 को घटा देना है, तो यहाँ पर हम 303 लिख लेंगे। अब देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, फिर 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमको 125 बटे 462 ये क्या प्राप्त हो गया उत्तर। तो इस तरह से आप प्रथम विधि से इस उदाहरण के सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देखिए हमको इसी सवाल को द्वितीय विधि से भी हल करना है। आपको जो विधि अच्छे लगे, जो विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसी विधि का आप प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं। हम दोनों विधियां आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम हम इसी सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम उदाहरण नंबर 1 के सवाल को फिर से लिख लिए हैं और इसको हम दूसरी विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसमें हमको साहचर्य और क्रम विनिमेयता नियम का प्रयोग करना है। अब देखिए साहचर्यता नियम, क्रम विनिमेयता नियम क्या होता है, इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं। अब हमको काम क्या करना है, इसमें देखिए हमको इस वाली संख्या को पहले लिख लेना है और इस वाली संख्या को बाद में लिख लेना है। तो देखिए पहले ये कितना है 3/7 है। अब हम इस संख्या को पहले लिखेंगे, ये संख्या हमको कितना दी हुई है ऋण में 8/21। फिर इसके बाद हमको इस वाली संख्या को लिख लेना है तो इसे लिख लेंगे ऋण में 6/11 है। फिर इसके बाद इसको हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है। अब देखिए ऐसा हम किस नियम से किए हैं, ऐसा हम क्रम विनिमेयता और साहचर्य नियम से किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रम विनिमेयता और साहचर्यता के उपयोग
से अब इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए हमको क्या काम करना है। सबसे पहला काम, हम प्रश्न के इस वाले भाग को अलग हल करेंगे और प्रश्न के इन पीछे वाले दो भागों को हम अलग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले भाग को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न हमको जो दिया है उसे लिख लेते हैं। 3/7 ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण, और ये कितना दिया है 8/21। फिर इसके बाद हम प्रश्न के अब दूसरे वाले भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है हमको, ऋण 6/11 है और यहाँ पर धन में 5/22। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ऋण 6/11 है, धन 5/22। फिर इसके बाद इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग भाग हो गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, पहले इस भाग को हल करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसके पहले भाग के लिए हम जो हर की संख्या है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और एक तरफ हम 7 लिख लेंगे और यहाँ पर हम 21 लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का हमको लघुत्तम निकालना है। तो चलिए पहले हम इसे 7 से विभाजित करते हैं, 7 के पहले ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित करते हैं। अब देखिए 3 की टेबल में 7 नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 की टेबल में 21, देखिए 3 7 21 7 बार में आ जाएगा। अब इसके बाद यह 3 से विभाजित नहीं होगा, अब हम इसे 7 से विभाजित करेंगे, 7 1 7 7 1 7। तो इस तरह से हमको लघुत्तम कितना प्राप्त हो गया, 3 और 7, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको लघुत्तम मिलेगा। तो देखिए 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 7 21, तो यहाँ पर हमको लघुत्तम 21 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसको और आगे हल करते हैं। तो देखिए 7 का हम 21 में भाग देंगे, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 21 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 का उसी के ऊपर की संख्या में गुणा करना है। ये हो जाएगा 3 × 3। फिर इसके बाद 21 का टेबल पढ़ेंगे, 21 कितनी बार में आएगा, 21 1 = 21 एक बार में, तो 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 8। अब इसी तरह से हमको प्रश्न के दूसरे वाले भाग को भी हल करना है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, 11 और 22 इन दोनों का भी लघुत्तम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे और लिख लेंगे 11 और 22। अब देखिए ये दोनों संख्याएं को सबसे पहले हम किससे विभाजित करें, 2 से विभाजित करते हैं। तो 11 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 से इसे विभाजित करेंगे तो 2 1 = 2 2 1 = 2। अब देखिए जो ये 11 प्राप्त हुआ है ये किसी से विभाजित नहीं होगा, ये सिर्फ 11 से विभाजित होगा। तो 11 1 = 11 11 1 = 11। जब नीचे 1 1 आ जाए तो आपको काम बंद कर देना है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वही क्या है, हमारा लघुत्तम है। तो 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 × 2 = 22। तो इस तरह से हमको लघुत्तम कितना प्राप्त हो गया, 22 प्राप्त हो गया। अब इसे और आगे हल करते हैं। तो देखिए 11 का टेबल पढ़ेंगे, 22 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो हम इसी के ऊपर की संख्या में 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 × 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 22 का टेबल पढ़ेंगे, 22 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 का इसी के ऊपर की संख्या में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1 × 5। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है, पहले उसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणन करने के लिए 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 1 = 8 और बटे में कितना है, 21। फिर इसकी तरह से हमको इसके दूसरे वाले भाग को भी हल करना है। तो यहाँ पर हर में हमको कितना दिया है, 22,
अब देखिए, ऋण धन का गुणा ऋण छः का गुणा दो में करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एक कम 5। फिर इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमको ये भाग प्राप्त हुआ है, इसमें 9 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और बटे में कितना है, 21। तो इस तरह से पहले भाग का हल 1/21 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद दूसरे भाग को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऋण में 12 है और धन में 5 है, तो ऋण 12 चूँकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण में उत्तर आएगा, 12 में से 5 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और बटे में कितना हो गया, 22। अब देखिए, इस तरह से हमको ये दो पद फिर से प्राप्त हो गए। अब इनको हमको फिर हल करना है, तो यहाँ पर देखिए हर में 21 है और यहाँ पर 22 है, तो हम 21 और 22 दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे और 21 और 22 का लघुत्तम निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये विभाजित हो जाएगा, पर ये विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब हमको क्या करना है, देखिए 2 से अब कोई विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 सते 21, 3 से 11 विभाजित नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही हमको लिख लेना है। फिर इसके बाद अब हम इसे 7 से विभाजित करेंगे, 7 एक कम 7, 7 से 11 विभाजित नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है। फिर इसके बाद हम 11 से विभाजित करेंगे, 1 विभाजित नहीं होगा, और 11 एक कम 11। अब हमको इस तरह से निकाल लेने के बाद गुणनखंड, अब हमको लघुत्तम ज्ञात करने के लिए इनका सभी का आपस में गुणा करना है। तो देखिए, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 462 प्राप्त होगा। तो हम इस तरह से 1/2 की लाइन खींच लेंगे और लघुत्तम हमको कितना प्राप्त हो गया, 462। फिर इसके बाद अब हमको क्या करना है, आगे इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 का 462 में भाग देंगे, तो ये हो गया हमारा 462। अब इसमें हमको 21 से भाग देना है, तो देखिए 21 दूना 42, ये हो गया 42 में 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। अब इस 2 को लिख लेंगे। फिर से देखिए 21 दूना 42, अब 42 में 42 को घटा देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और भागफल 22 प्राप्त हुआ, मतलब ऊपर वाली संख्या में हम 22 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 22 गुणे 1। फिर इसके बाद ऋण धन का गुणा ऋण हो गया। अब हमको क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए हर में 22 है तो अब हमको 22 का भाग देना है। तो चले 22 का हम 462 में भाग देते हैं, 22 दूना 44। फिर इसके बाद देखिए 46 में से हम 44 को घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब इस 2 को लिख लेंगे। अब 22 का टेबल पढ़ेंगे, 22 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, 22 एक कम 22। अब देखिए 22 में से 22 को घटा देते हैं तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0। 2 में से 2 घटेगा तो 0, मतलब यहाँ पर शेषफल कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हमको भागफल कितना प्राप्त हो गया, 21। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी के ऊपर वाली संख्या में 21 का गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणे 7। फिर इसे हम और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न हमको दिया है, तो यहाँ पर पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 एक कम 22। फिर इसके बाद 7 का गुणा 21 में करेंगे तो 7 एक कम 7, और 7 दूनी 14 है, तो इस तरह से हमको ये प्राप्त हो गया, और बटे में कितना है, 462। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है और धनात्मक संख्या छोटी है, तो उत्तर हमारा ऋण में आएगा। अब ऋण वाली संख्या से धन वाली संख्या को घटा देंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5,
फिर चार में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा, दो। फिर एक में से तो कोई संख्या नहीं घट सकती, यहाँ पे नहीं है सैकड़ा में कोई संख्या, तो ये एक ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ऋण में 125 बटे 462 क्या प्राप्त हो गया उत्तर। तो देखिए इस विधि में भी हमको ऋण 125 बटे 462 प्राप्त हुआ, और इसके पहले जो विधि देखे थे उस विधि में भी हमको ऋण 125 बटे 462 प्राप्त हुआ। तो आपको इसमें से जो विधि अच्छी लगे उस विधि का आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं उदाहरण क्रमांक दो। ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 × 3/7 × 15/16 × 14/9, तो इसे हमको हल करना है। तो जिस तरह से हम उदाहरण एक के सवाल को भी दो विधियों से हल करना सीखे थे, उसी प्रकार से हम इस सवाल को भी दो विधियों से हल करना सीखेंगे। आपको दोनों विधियाँ अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक विधि आप भूल जाते हैं तो आप दूसरी विधि से भी यदि पेपर में वह प्रश्न आता है तो आप हल कर सकें। तो चले इस प्रश्न को हम प्रथम विधि से हल करते हैं। प्रथम विधि में हम सीधे डायरेक्ट इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को पहले लिख लिए हैं। अब देखिए हमको पहला काम क्या करना है, इसको हम दो दो पदों में बांट लेंगे। तो देखिए दो दो पदों में किस प्रकार से बांटेंगे, हम यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ये दो पद, और इसके बाद इसमें भी हम कोष्टक लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा पद। अब देखिए इनको पहले हम इस दो पद को अलग हल करेंगे, इस दो पद को अलग हल करेंगे। तो सबसे पहला काम चलिए इस पद को हल कर लेते हैं। अब देखिए इनका गुणा कैसे होता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो चलिए इनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ऋण 4 का गुणा करना है 3 के साथ, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। फिर इसके बाद नीचे 5 × 7 हो जाएगा, फिर ये वाला गुणे का चिन्ह। अब इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। तो देखिए ये कितना है 15 × ऋण में कितना है 14 है, फिर बटे में कितना है 16 × 9। तो इस तरह से हम इसे गुणा कर लेंगे। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब हमको गुणा के रूप में अभी हम लिखे हैं, अब इनका हम गुणा करेंगे। तो देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो गया। फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 × 7 = 35 ये प्राप्त हो गया हमको। अब यहाँ पर भी हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 15 का गुणा हम 14 के साथ करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, बड़ी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। यदि आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं। आप किस प्रकार से इसे छोटा कर सकते हैं, यदि अंश और हर से कोई संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की टेबल से 3 × 9 ये कट गया, 3 की टेबल से ये कट जाएगा 3 × 5 = 15। आपको ध्यान रखना है यदि आप ऊपर की संख्या को काटने के लिए 3 की टेबल पढ़ रहे हैं तो आपको नीचे की भी संख्या काटने के लिए 3 की टेबल ही पढ़ना है। अब इसी प्रकार हम इनको भी काट देते हैं। तो 2 की टेबल से 16 को काट रहे हैं, 2 × 8 = 16 इस प्रकार से। तो इस संख्या को भी हम 2 की टेबल से काटेंगे, 2 × 7 = 14। तो इस तरह से हम काट लेंगे। अब इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए ये ऋण में है और ये धन में है, तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 × 7 = 35। फिर इसके बाद 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 + 3 कितना हो गया 24 हो गया। अब इसके बाद हमको इसको और आगे हल करना है। तो देखिए सबसे पहला काम, जैसे अब इसमें दो ही पद बचे हैं तो अब इनमें भी हम ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। तो चलिए इस प्रकार से गुणा के रूप में हम लिख लेंगे, हमको ऋण 12 का गुणा करना है ऋण 35 के साथ। फिर इसके बाद हमको 35 का गुणा करना है 24 के साथ। तो
यहाँ पर लिख लेंगे 35 गुणे 24। आपको ध्यान रखना है, कभी भी यदि कोई संख्या ऋणात्मक हो आप उसको कोष्टक लगा कर लिखें। अब देखिए यहाँ पर भी यदि कोई संख्या अंश और हर से कट रही है तो हम काट सकते हैं। जैसे देखिए 35 से ये 35 क्या होगा, कट जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ से देखिए ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो हम इसे काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो इस तरह से ये संख्या कट गई। अब देखिए कटने के बाद हमारे पास कितना शेष बचेगा, अब आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। देखिए ऋण और ये ऋण चिन्ह था, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा। तो ऊपर से तो सब कट गया, सिर्फ ये एक बचा, तो इस एक को लिख लेंगे। अब देखिए नीचे से कटने के बाद सिर्फ 2 बचा, तो इस तरह से हमको 1/2 क्या प्राप्त हो गया उत्तर। तो इस तरह से आप प्रथम विधि की मदद से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए हमको इसी प्रश्न को दूसरी विधि से भी हल करना है, तो चलिए दूसरी विधि को भी समझ लेते हैं। तो इस तरह से हम द्वितीय विधि के लिए जो उदाहरण क्रमांक 2 का सवाल था उसे लिख लिए हैं। अब चलिए इसे हम द्वितीय विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, द्वितीय विधि के लिए हम इस पद को बाद में लिख लेते हैं और इस पद को पहले लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऋण में 4/5 × 15/16, फिर गुड़े 3/7 को बाद में लिखना है, तो ये 3/7 हो गया। फिर गुड़े में कितना है, इस लास्ट पद को लिख लेते हैं ऋण में 14/9, तो इस तरह से हम कर लिए। अब देखिए ये किस नियम से हुआ है, क्रम विनिमेयता और सहचरता नियम के प्रयोग से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो इस तरह से हम लिख लेंगे क्रम विनिमेयता और सहचरता के उपयोग से। अब देखिए फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, इसमें भी हमको 2-2 पार्ट इसे इस प्रकार से अलग अलग कर लेना है ताकि हल करने में आसानी हो। अब देखिए इस वाले भाग को हम अलग हल करेंगे और इस वाले भाग को हम अलग हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले भाग को हल करते हैं। तो देखिए इनका गुणा कैसे होगा, अंश का अंश के साथ हर का हर के साथ, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 × 15। फिर इसके बाद इसको लिख लेंगे गुणे के रूप में, ये हो जाएगा 5 × 16। फिर इसके बाद इसके दूसरे वाले भाग को लिख लेते हैं गुणे के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा 3 × ऋण में 14। फिर नीचे वाले भाग का गुणा कर देंगे तो 7 × 9। इस तरह से लिख लेने से हमको फायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो संख्या कट रही हैं एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं उसे हम काट देंगे। जैसे मान लीजिए अब देखिए 4 की टेबल से 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ये कट गया। फिर इसी प्रकार 5 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं तो काट देंगे, 5 तियाई 15। फिर इसी प्रकार यहाँ से भी जो कट रहा होगा तो काट देंगे, तो देखिए 7 दूनी 14 ये कट गया। फिर इसके बाद 3 से ये 9 विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिकाएँ 9, तो इस तरह से हम काट देंगे। अब कटने के बाद जो हमारे पास बचा है उसे लिख लेना है। आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ये ऋण का चिन्ह है तो पहले ऋण चिन्ह को लिखेंगे, फिर ये कितना है 3 है और बटे में कितना है 4 है, फिर गुणे। अब यहाँ पर देखिए अंश से कितना बच रहा है, ये ऋण चिन्ह बचेगा और ये कितना बचा 2, और यहाँ से कितना बचा है 3। फिर इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारे पास ये संख्या बची है इनका हम फिर से गुणा कर देते हैं, तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 इस प्रकार से, और हर का हर के साथ गुणा करेंगे तो 4 × 3। अब देखिए यहाँ पर फिर से संख्याएं विभाजित हो रही हैं,
ये तीन से ये तीन कट जाएगा और दो की टेबल से दो दूनी चार ये कट जाएगा। तो देखिए हमारे पास कटने के बाद कितना बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये दो ऋण चिन्ह बचे हैं, तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। अब ऊपर से कोई संख्या नहीं बची है, सभी कट गई हैं, तो एक बचेगा। अब नीचे से क्या बचा कटने के बाद, दो। तो इस तरह से देखिए इस विधि में हमको एक बटे दो उत्तर प्राप्त हुआ। और इसके पहले जो दूसरी विधि थी उस विधि में भी हल किए थे तो हमको एक बटे दो उत्तर प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को उदाहरण क्रमांक दो के दोनों ही विधियों से हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रयास कीजिए वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको दो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हमको वितरकता नियम के प्रयोग से हल करना है। तो पहले हम पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल भाग एक और इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हमको वितरकता नियम का जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम वीडियो के पिछले भाग में देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वितरकता नियम को लिख लेते हैं। योग का वितरकता गुणधर्म, तो देखिए योग का वितरकता गुणधर्म ये होता है ए कोष्टक के अंदर बी धन सी बराबर ए बी धन ए सी। अब देखिए वितरकता नियम में क्या होता है, जो ये ए बाहर है इसका अंदर गुणा हो जाता है। तो ए का गुणा बी के साथ किए तो ए बी हो गया, ए का गुणा सी के साथ किए तो ए सी हो गया। तो जो हमारा सवाल दिया हुआ है वह इस रूप में लिखा है, हमको क्या काम करना है, जैसे दोनों के पास ए दिखाई दे रहा है तो हम क्या किए दोनों से ए को बाहर लिख दिए। उसी प्रकार हमको देखिए सवाल में सात बटे पाँच दोनों के पास दिखाई दे रहा है तो हम सात बटे पाँच को दोनों से बाहर निकाल करके लिख लेंगे। अब चलें इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए सात बटे पाँच दोनों के पास है तो हम सात बटे पाँच को बाहर निकाल करके इस प्रकार लिख लेंगे। फिर इसके बाद कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ऋण में तीन बटे बारह है तो इसे लिखेंगे ऋण तीन बटे बारह है। इधर का सात बटे पाँच तो ये बाहर हो गया। अब इधर से देखिए ये सात बटे पाँच बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, धन में पाँच बटे बारह है। अब इसे हम और आगे हल कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या काम करना है, पहले इस पद को लिख लेते हैं। अब देखिए हमको इसका भिन्नों का जोड़ घटाना करना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हर की संख्या का लघुत्तम निकालना होगा। और यदि हर की संख्या समान होती है तो आपको लघुत्तम निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही संख्या क्या आ जाएगी, लघुत्तम में आ जाएगी। और ऊपर आपको किसी के गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये ऋण में तीन हो गया और धन में पाँच। फिर इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर है सात बटे पाँच। अब देखिए कोष्टक के अंदर कितना बचेगा, धन में पाँच है ऋण में तीन है, धन वाली संख्या बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा, पाँच में से तीन कम हो जाएगा घट जाएगा तो यहाँ से दो बचेगा और यहाँ से बारह बचेगा। अब देखिए यदि संख्या अंश और हर से कट रही है तो हम काट सकते हैं, जैसे दो एक कम दो और दो छक्का बारह ये कट गया। तो इस तरह से हमको कटने के बाद कितना शेष प्राप्त हो गया, सात बटे पाँच यहाँ से प्राप्त हुआ और यहाँ से एक है अंश में और हर में कितना है छः है। अब देखिए भिन्नों का गुणा किस प्रकार से होता है, अंश का अंश के साथ गुणा हर का हर के साथ गुणा, तो इसे गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सात गुणे एक फिर पाँच गुणे छः। फिर इसे और आगे हल करते हैं। तो देखिए सात का गुणा एक के साथ करेंगे तो सात एक कम सात, फिर पाँच का गुणा छः के साथ करेंगे तो छः पंचे कितना हो जाएगा, तीस।
तो इस तरह से हमको 7/30 क्या प्राप्त हो गया उत्तर। तो इस तरह से आप प्रश्न के पहले भाग को हल कर सकते हैं। अब हमको प्रश्न के दूसरे भाग को हल करना है, तो चलिए प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न के दूसरे भाग को लिख लिए हैं। अब यहाँ पर भी हमको वितरकता नियम का उपयोग करना है, तो पहले हम वितरकता नियम को लिख लेते हैं। योग का वितरकता गुणधर्म, तो देखिए योग का वितरकता गुणधर्म ये होता है, हमको जो सवाल दिया हुआ है वो इस रूप में लिखा हुआ है दो अलग अलग पदों में। तो जैसे इसमें दो समान संख्या a थी, उसको हमको बाहर निकाल करके लिखना है, और यहाँ पर जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सवाल में 9/16 दोनों के पास है समान संख्या, तो इसे हम क्या करेंगे बाहर निकाल करके लिख लेंगे। तो इस तरह से हम 9/16 को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए 9/16 बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 4/12 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए ऋण में है, तो ऋण चिन्ह में लिखेंगे। अब ये संख्या कितनी है 3/9, तो यहाँ पर हम 3/9 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम वितरकता गुणधर्म का उपयोग करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसे और आगे हल कर लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसे और छोटा भी बना सकते हैं, अगर अंश हर से संख्याएं कट रही हैं तो आप काट सकते हैं। जैसे देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 ये कट गया, फिर इसके बाद ये संख्या भी कट रही है तो हम काट सकते हैं। तो देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 9 इस प्रकार से ये कट गई। अब इसके बाद कितना बचा है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 9/16 है, अब कोष्टक के अंदर कितना बचा, यहाँ से कटने के बाद 1/3 बचा, यहाँ से भी कटने के बाद कितना बचा 1/3 बचा। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 9/16 है, अब कोष्टक के अंदर हम क्या पा रहे हैं कि धन में 1/3 है और ऋण में 1/3 है, तो 1/3 से 1/3 घट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा हमको 0 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 0 का गुणा 9/16 में करेंगे, तो 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमको उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको इसका उत्तर 0 प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी उदाहरण के सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है, आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर टच करना है, फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आपको कक्षा 8 विषय गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन पर भी गणित के सभी वीडियो के लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से भी आप लिंक को टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।